है hey एवरीवन आज हम देखेंगे हेपास सल्फ मेडिसिन को एलेंस की नोट से तो चलिए स्टार्ट करते हैं हेपास सल्फ का जो फॉर्मूला है सी ए एस है और सल्फेट ऑफ लाइम इसका कॉमन नेम है इसमें कल्केरिया और सल्फर दोनों ही मिक्स्ड है तो इसमें हमको कल्केरिया ग्रुप प्लस सल्फर दोनों के सिम्टम देखने को मिलेंगे बहुत ही अच्छी रेमेडी है तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंस्टिट्यूशन से फॉर द टॉर्फिड लिम्फेटिक कंस्टिट्यूशन ठीक है ऐसा जो पे एक्ट करता है स्लोली ठीक है जिनका लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि बहुत ही स्लो है पर्सन विद लाइट हेयर्स एंड अ कॉम्पलेक्शन ठीक है जिनके लाइट हेयर्स हैं कॉम्प्लेक्शन लाइट है स्लो टू एक्ट है ठीक है जिनकी बॉडी कोई भी चीज़ को बहुत स्लोली एक्ट करती है मसल सॉफ्ट और फ्लैबी है मेंटल जनरल्स की बात करते हैं पेशेंट ओवर सेंसिटिव है फिजिकली और मेंटली स्लाइटेस्ट कॉज थोड़ा सा भी अगर कोई कॉज है वो उसको इरिटेट कर देता है क्विक हैस्ट्री स्पीच है फटाफट वो बोलता है और हैस्ट्री ड्रिंक है फटाफट अगर कोई ड्रिंक कुछ पीना है वो भी वो फटाफट हैस्टली करता है पेशेंट इज़ अ पीवियस पेशेंट बहुत ही ज़्यादा सैड दुखी है एंग्री एट द लिस्ट ट्रिफल अगर थोड़ी सी भी कोई बात है तो एंग्री हो जाता है हाइपोकड्रिकल है पेशेंट अनरिजनेबल एंजियस है उसको पता ही नहीं है इतनी चिंता उसे कहाँ से आ रही है अनरिजनेबल कोई रीज़न नहीं है एंजियस होने का उसकी फिजिकल जनरल्स में देखते हैं तो डिसीजेज़ द सिस्टम हैज़ बीन इंजर्ड बाय द एब्यूज ऑफ मर्करी ठीक है एब्यूज ऑफ मर्करी के बाद अगर बॉडी में या पूरी बॉडी में सिस्टम में कोई भी चेंजेस आते हैं कोई भी एलिमेंट्स आते हैं तो हैपार एक अच्छी मेडिसिन है एक्सट्रीमिटीज सॉरी एक्सट्रीमली सेंसिटिव होता है पेशेंट कोल्ड एयर के लिए इमेजिन ही कैन फील द एयर इफ़ द डोर इज ओपन इन द नेक्स्ट रूम ठीक है नेक्स्ट रूम में अगर डोर ओपन होगा तो भी वो उस एयर को फील कर सकता है इतनी ज़्यादा सेंसिटिविटी है पार में मस्ट बी रैप अप द फेस इवन इन हॉट वेदर हॉट वेदर में भी वो अपने आप को इतना ज़्यादा पूरा कवर करके रखता है फेस को पूरी बॉडी को कांड बियर टू बी अनकवर्ड ठीक है अनकवरिंग नहीं कर पाएगा वो नक्स वोमिका में भी हमको सिम्टम देखने को मिलता है लेकिन कैम्फोरा एंड सिकल कोर ऐसी मेडिसिन है जो कांड बियर टू बी कवर्ड ठीक है जो कि अपने आप को कवर्ड नहीं करेगी टेक कोल्ड फ्रॉम स्लाइटर्स एक्सपोजर टू फ्रेश एयर ठीक है अगर फ्रेश एयर से थोड़ा सा भी एक्सपोजर हो गया पेशेंट का तो तो वो उसको ईजीली कोल्ड हो जाता है यही सिम्टम हमको ट्यूबुलम में देखने को मिलता है स्वेट जो होगा प्रोफ्यूजली डे एंड नाइट विदाउट रिलीफ उसको दिन और रात हमेशा स्वेटिंग होती रहेगी कोई भी रिलीफ नहीं देखने को मिलेगा पर्स्पीरेशन देखने को मिलता है सोर और ऑफेंसिव ठीक है खट्टा और ऑफेंसिव पर्स्पीरेशन हमको हेपार में देखने को मिलता है ईजीली ऑन एवरी मेंटल और फिजिकल एग्जर्शन पे सोराइनम और सीपिया भी रैम है इस के फिजिकल एक्सन पे जिसको स्वेटिंग होती है अब देखते हैं हम लोग आई सिम्टम को आई में जो आई बोल्स होती है वो सोर होती है टच से पेन एज इफ दे वुड बी पुल्ड बैक इन टू हेड ठीक है उसको इतना ज्यादा पेन होता है कि उसको ऐसा लग रहा है उसको कोई हेड से पीछे कोई पुल कर रहा है ऑलियंडर और पैर पैराबिन में भी ये हमको सिम्टम देखने को मिलता है फेस सिम्टम की बात करेंगे तो जो मिडिल है लोअर लिप का वो हमें क्रैक देखने को मिलता है ये की नोट है अपार मेडिसिन का अमोनियम काम और नैट्रम्यूर में भी हमको लोअर लिप में क्रैक देखने को मिलता है क्रैक इन द कमिशर्स जो फीशर है जो कमीशर में अगर हमको क्रैक्स देखने को मिलता है तो कॉन्जूरेंगो बहुत ही अच्छी रेमेडी है थ्रोट सिम्टम की बात करते हैं तो सेंसेशन ऑफ स्प्लिंटर उसको ऐसा लगता है कि स्प्लिंटर है या फिर कोई फिश बोन है या फिर कोई प्लग है थ्रोट में अर्जेंटम नाइट्रिकम और नाइट्रिक एसिड में भी हमको फिश बोन और प्लग सेंसेशन देखने को मिलता है थ्रोट में क्विंसी देखने को मिलेगी हमको वन सपोरेशंस थ्रेटेन क्रोनिक हाइपरट्रोफी देखने को मिलेगी विद हार्डनेस ऑफ हेयरिंग ठीक है हमको जो टॉन्सिल्स है उसमें हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेगी जिसके कारण हियरिंग प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी जो कि अपहार का एक कीनोट है बेराइटा काब लाइकोपलम्बम और सोराइना में भी हमको ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं नेक्स्ट है, है रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेशन में जो कफ है वैन एनी पार्ट ऑफ़ द बॉडी इज़ अनकवर्ड सबसे इसका मेन कॉज है अनकवरिंग अगर बॉडी का कोई पार्ट अनकवर्ड है तो इसको कफ होगा रस्ट्रोक्स में भी ये सिम्टम है क्रूप चोकिंग और स्ट्रैंगलिंग फीलिंग होगी इसको फ्रॉम एक्सपोजर टू ड्राई वेस्ट विंड से और लैंड विंड से ठीक है एक्नाइड में भी हमको वेस्ट विंड है वेस्ट विंड एक्सपोजर के कारण उसको प्रॉब्लम्स होती है कफ में अस्थमा जो रहता है उसमें ब्रीदिंग एनजीएस रहता है पेशेंट उसमें वीजिंग देखने को मिलती है प्लस रैटलिंग साउंड देखने को मिलता है शॉर्ट और ड्रिप डीप ब्रीदिंग होती है पार में थ्रेटन सफोगेशन होते हैं मस्ट बैंड द हैड बेक ठीक है head big, जो पेशेंट वो हेड को बैक बैंड करेगा पीछे की तरफ अप एंड आफ्टर सेपरेशन ऑफ इरप्शन के कारण भी अस्थमा देखने को मिलता है अपार में सोराइनम में भी सप्रेशन ऑफ इरप्शन के कारण रेस्पिरेटरी कम्प्लेन्स है क्रूप की बात करें आफ्टर एक्सपोजर टू तो ड्राई कोल्ड विन, ठीक है उसको क्रूपी क्रूपी वॉइस क्रूप देखने को मिलेगा जिसके जिसमें हमको थ्रोट से रिलेटेड कम्प्लेन्स देखने को मिलती है डीप रब बाकिंग कफ होगा साथ में हॉर्शनेस भी रहेगी पेशेंट को रैटलिंग म्यूकस होगा जो कि एग्रावेटेड होगा कोल्ड एयर से, कोल्ड ड्रिंक्स से, बिफोर मिडनाइट और टुवर्ड द मॉर्निंग ये मॉडलिटीज़ है इसकी क्रूप की जी आई टी सिम्टम्स देखते हैं तो जी आई टी में हमको डायरिया देखने को मिलता है पार में जो चिल्ड्रन्स हैं उसमें सोर स्मेलिंग के साथ डायरिया रहेगा सोर स्मेलिंग में हमको कैल्केरिया और मैग्नीशियम का भी रेमेडीज है चाइल्ड चाइल्ड एंड स्टूल अ सोर स्मेल ठीक है तो रूम में बेबी भी सोर स्मेलिंग है प्लस उसका स्टूल भी सोर स्मेलिंग है क्ले कलर्ड स्टूल देखने को मिलता है हमें कैलकेरिया और पोडो में भी हमें क्ले कलर्ड स्टूल देखने को मिलेगा यूरिनरी कंप्लेंस की बात करते हैं तो यूरिन जो होगी फ्लो होगी इम्पेंडेड वॉइडेड स्लोली धीरे धीरे जाएगी ऐसा लगेगा फ्लो फंस गया है इम्पैड हो गया विदाउट फोर्स ड्रॉप वर्टिकली ठीक है वर्टिकल ड्रॉप्स जाते हैं इसके इज ऑब्लिक टू वेट इज ऑब्लीगेट टू वेट अवेल बिफोर इट पास ठीक है यूरिन पास करने से पहले उसको वेट करना पड़ता है ब्लेडर बहुत ही ज़्यादा वीक हो गया है पार का इज़ अनेबल टू फिनिश ठीक है सिम्स एज इव सम यूरिन आलवेज रिमेन उसको ऐसा लगता है कि हमेशा कुछ ड्रॉप्स या फिर कुछ अमाउंट ऑफ यूरिन हमेशा रह गई है एलुमिना और साइलिशिया में भी हम ये सिम्टम देखने को मिलता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किन सिम्टम द सैफलाइटिस इंजुरी कॉजेज द सपोरेशन ठीक है अगर बॉडी में कहीं में भी थोड़ा से भी अगर चोट लगती है तो वहाँ पे हमको पस फॉर्मेशन देखने को मिलता है हैपार में ग्रेफाइटिस और मक में भी ये सिम्टम है इन द डिसीज़ वे सपोरेशन सिम्स इनवाइटेबल और हैपार में ओपन द एप्सेज द क्यू ठीक है ऐसी डिसीज जहाँ पे सपोरेशन हमको अभी पक नहीं रहा है कुछ ऐसी चीज़ें ऐसी कंडीशन हो गई है तो हम लोग हैपार देंगे जो कि पस का फॉर्मेशन कराएगी और एप्स को ओपन करके उसको क्योर कर देगी जो स्किन होगी वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव रहेगी टच से है पार की कांट बियर इवन द क्लोथ टू टच द अफेक्टेड पार्ट जो अफेक्टेड पार्ट है वहाँ पर क्लोथिंग भी वो बियरेबल नहीं है उसको लेकेस में भी ये सिम्टम है सेंसिटिव टू स्लाइटेस्ट टच बट कैन बियर द हार्ट प्रेशर तो हमको ये चाइना रेमेडी है जिसको स्लाइट प्रेशर से एग्रावेशन है बट हार्ट प्रेशर से एमल्रीशन है स्किन अफेक्शन एक्सट्रीमली सेंसिटिव है टच के लिए द पेन ऑफ ऑन कॉजिंग अ फेंटिंग ठीक है इतना ज़्यादा पेन होता है कि वो फेंट हो जाती है अल्सर्स हर सराउंडेड बाय लिटिल पिंपल्स और पश्चूल एंड स्प्रेड बाय द कॉलेसिंग ठीक है पहले जो अल्सर्स और हर होंगे उसके अराउंड लिटिल पिंपल्स होंगी और पश्चूल होंगे फिर जो कि पूरा एक साथ इकट्ठा होकर स्प्रेड होगा मॉडलिटीज़ में एग्रावेशन हमको है पार में लाइंग ऑन पेनफुल साइड ठीक है इसका की नोट है लाइंग ऑन पेनफुल साइड से हैपार को एग्रावेशन होता है काली का और आयोडम भी रेमेडीज है कोल्ड एयर एग्रावेशन है अनकवरिंग से पेशेंट को एग्रावेशन है ईटिंग और ड्रिंकिंग कोल्ड थिंग से एग्रावेशन है टचिंग अफेक्टेड पार्ट और एब्यूज ऑफ मकरी दिस ऑल आर द एग्रावेशन और एलिमेंट्स ऑफ द हैपार एमलोरेशन देखने को मिलता है वार्म इन जनरल ठीक है गर्म चीजों से अच्छा लगता है पेशेंट को वार्म से अच्छा लगता है रैपिंग ऑफ वार्मली अपने आप को गर्म अच्छे से वैप अप करने पे अच्छा लगता है उसको स्पेशली द हेड को सोराइनम और साइलिशिया में भी है वैप अप से एमशन इन डैम वेट वेदर में अच्छा लगता है कॉस्टिकम नक्सविका में भी हमें देखने को मिलता है लेकिन रिवर्स हम नेट्रम सल्फ ठीक है नेट्रम सेल्फ में एग्रावेशन है डैम वेट वेदर से रिलेशन में देखेंगे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री है कैलेंडुला की इन इंजरीज ऑफ द सॉफ्ट पार्ट हैपार एंटीटोट कर देती है बैड इफेक्ट ऑफ मर्करी और अदर मेटल्स को जैसे कि आयोडीन आयोडाइड है पोटास कोल्ड लीवर ऑयल रेंडर द पेशेंट्स लेट ससेप्टेबल तो टू एटमोस्फेरिक चेंजेस और कोल्ड एयर कंपेयर कर सकते हैं हम इसको सोरी स्किन अफेक्शन में सल्फर के तो ड्राई और ईचिंग होती है जो कि एम्ब्रिटेड होती है स्क्रैचिंग से नॉट सेंसिटिव टू द टच वैल इन हैपार में क्या होता है स्किन अनहेल्दी होगी सपोरेटिंग होगी मॉइस्ट होगी और एक्सट्रीमली सेंसिटिव रहेगी टच से ठीक है ये सल्फर और हैपार में उन्होंने डिफरेंस बताया सल्फर की स्किन ड्राई ईचिंग और स्क्रैचिंग से एम्ब्रेशन है बट द हैपार में सेंसिटिव है टच से ठीक है ये थी हैपार जो कि पॉलीक्रस्ट बहुत ही अच्छी रेमेडी है आई होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहा होगा थैंक यू फॉर वॉचिंग